हम बार बार मुनि बेप्र भरे कहा राम सन राम। बोले रघुपति सरस हसे तहु बंध सम बाम। लखन श्री रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र जी ने परशुराम जी को बार बार मुनि और विप्रवर कहा, तब भृगुपति परशुराम जी कुपित होकर अथवा क्रोध की हंसी हंसकर बोले, तू भी अपने भाई के समान ही टेढ़ा है। निपट ही ध्वज कर जान ही मोही, मैं जस विप्र सुनावहुँ तू ही। चाप सुवासर आहुत जानु, कूप मूर अति घोर कृसानु। तू मुझे निरा ब्राह्मण ही समझता है, मैं जैसा विप्र हूँ तुझे सुनाता हूँ। धनुष को बाण को आहुति और मेरा क्रोध को अत्यंत भयंकर अग्नि जान। समेद सेन चतुरंग सुहाई, महामही पे भये पशु आई। मैं यही परस काट बल दीने, समर जग जप कूटन कीने। चतुरंगिनी सेना सुंदर समाधियाँ समिधाएँ, यज्ञ में जलाई जाने वाली लकड़ियाँ हैं। बड़े बड़े राजा उसमें आकर बलि के पशु हुए हैं, जिनको मैंने इसी फरसे से काट कर बलि दिया है। ऐसे करोड़ों उपयुक्त रण यज्ञ मैंने किए हैं। श्रम मोर प्रभाव विदित नहीं तोरे, बोल सिनिधर विप्र की भूरे। भंजो चाप दाप बड़बाड़ा, वह मत मनो जीत जग उठाड़ा। मेरा प्रभाव तुझे मालूम नहीं है, इसी से तू ब्राह्मण के धोखे मेरा निरादर करके बोल रहा है। धनुष तोड़ डाला, इससे तेरा घमंड बहुत बढ़ गया है। ऐसा अहंकार है मानो संसार को जीत कर खड़ा है। राम कहा मुनि कहा हो बेचारी, ऋषि अति बड़े लागो चूक हमारी। छुए तही टूट पिना के पुराना, मैं कहीं हेतु करो अभिमाना। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनि विचार करके बोलिए। आपका क्रोध बहुत बड़ा है और मेरी भूल बहुत छोटी है। पुराना धनुष था, छूते ही टूट गया, मैं किस कारण अभिमान करूं। जो हमने दे रही वे प्रबदी, सत सुनहु भृगुनाथ। तो अस को जग सुभट जही, भय बस ना वही मात। लखन श्री रामचंद्र की जय। हे भृगुनाथ, यदि हम सचमुच ब्राह्मण कहकर निरादर करते हैं तो यह सत्य सुनिए, फिर संसार में ऐसा कौन योद्धा है जिसे हम डर के मारे मस्तक नवाए। हे भृगुनाथ, यदि हम सचमुच ब्राह्मण कहकर निरादर करते हैं तो यह सत्य सुनिए, फिर संसार में ऐसा कौन योद्धा है जिसे हम डर के मारे मस्तक नवाए। देव धनुज भूपति भड नाना, सम बल अध के हो बलवाना। जो रन हम ही पचार को, लरही सुखेन कालो किन हो। देवता दैत्य राजा या बहुत से योद्धा, वे चाहे बल में हमारे बराबर हों चाहे अधिक बलवान हों, यदि रण में हमें कोई भी ललकारे तो हम उससे सुखपूर्वक लड़ेंगे, चाहे काल ही क्यों ना हो। क्षत्रिय तनुधारी समारे सकाना, कुल कलंक तही पावर आना। गहो स्वभाव न कुल ही प्रशंसी, काल हूँ डरहि नहि रण रघुवंशी। क्षत्रिय का शरीर धर कर जो युद्ध में डर गया, उस नीच ने अपने कुल पर कलंक लगा दिया। मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, कुल की प्रशंसा करके नहीं कि रघुवंशी रण में काल से भी नहीं डरते। अब प्रवंश के अस प्रभुताई, अभय हुए जो तुम्हें डराई। सुन मृदु गूढ़ बचन रघुपति के, उघरे पटल परशु धर्मति के।
ब्राह्मण वंश की ऐसी ही प्रभुता है कि जो आपसे डरता है वह सबसे निर्भय हो जाता है। श्री रघुनाथ जी के कोमल और रहस्यपूर्ण वचन सुनकर परशुराम जी की बुद्धि के पर्दे खुल गए। राम रमापति कर धन लेहु खैच हुम तै मूर संदेहु देत चाप आप चल गए हो परशुराम मन विस्मय भयउ। परशुराम जी ने कहा हे राम हे लक्ष्मीपति धनुष को हाथ में अथवा लक्ष्मीपति विष्णु का धनुष हाथ में लीजिए और इसे खींचिए जिससे मेरा संदेह मिट जाए। परशुराम जी धनुष देने लगे तब वह आप ही चला गया। तब परशुराम जी के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। जाना राम प्रभाव तब पुल के प्रफुल्लत गा जोर पान बोले बचन हृदय न प्रेम अमात लखन श्री रामचंद्र की जय। तब उन्होंने श्री रामचंद्र जी का प्रभाव जाना। उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। वे हाथ जोड़कर वचन बोले प्रेम उनके हृदय में समाता ना था। जय रघुवंश बनज बन भानु गहन धनुज कुल दहन कृसानु जय सुर विप्र धेनु हितकारी जय मद मोह कोह भ्रमहारी। हे रघुकुल रूपी कमल वन के सूर्य हे राक्षसों के कुल रूपी घने जंगल को जलाने वाले अग्नि आपकी जय हो। हे देवता ब्राह्मण और गौ का हित करने वाले आपकी जय हो। हे मद मोह क्रोध और भ्रम के हरने वाले आपकी जय हो। विनयशील करुणा गुण सागर जयति बचन रचनायति नागर सेवक सुखद सुभग सब अंगा जय शरीर छवि कोटि अनंगा। हे विनयशील कृपा आदि गुणों के समुद्र और वचनों की रचना में अत्यंत चतुर आपकी जय हो। हे सेवकों को सुख देने वाले सब अंगों से सुंदर और शरीर में करोड़ों कामदेवों की छवि धारण करने वाले आपकी जय हो। करौ काहे मुख एक प्रशंसा जय महेश मन मानस हंसा अनुचित बहुत कहौ अज्ञाता क्षमहु क्षमा मंदर दुभ्राता। मैं एक मुख से आपकी क्या प्रशंसा करूं। हे महादेव जी के मन रूपी मानसरोवर के हंस आपकी जय हो। मैंने अनजान में आपको बहुत से अनुचित वचन कहे। हे क्षमा के मंदर दोनों भाई मुझे क्षमा कीजिए। कहे जय 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 रघुकुल के तू भृगुपति गए बनहि तप हेतु अपभय कुटिल मही पेडराने जह तह कायर गवहि पराने। हे रघुकुल के पिता का स्वरूप श्री रामचंद्र जी आपकी जय हो जय हो जय हो ऐसा कहकर परशुराम जी तप के लिए वन को चले गए। दुष्ट राजा लोग बिना ही कारण के डर गए। बेकायर चुपके से जहां तहां भाग गए। देवहि दीनी द्वंद भी प्रभु पर बर सहि फूल हरे से पुर नर नार सब मिटी मोह महसूल लखन श्री रामचंद्र की।